Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to our YouTube channel Zoya की दुनिया। तो दोस्तों आज है आप लोगों के फरमाइश का वीडियो। जी हाँ, तो आज हम देखेंगे नियरली 1 kg गुड़ से कितना अरक बनेगा और उसके लिए कितने इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। यानी नियरली 100 ml 200 ml अरक बनाने के लिए जो हम उसको इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, गुड़, कॉफी पाउडर, शुगर, उसकी क्वांटिटी कितना लेना चाहिए, उसको यूज करने से कितना अरक निकलेगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए वीडियो को देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ये देखिए जैगरी गुड़, इसका वेट है 950 ग्राम, यानी एग्जैक्ट 1 kg नहीं है, 50 ग्राम कम ही है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इतने अमाउंट में कितना अरक निकलेगा। तो पहले हम इसको पीसेस बना लेंगे। तो दोस्तों ये भी रिकमेंडेड वीडियो था, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि 100 ml अरक में कितने नेल्स मेहंदी के कोन बनते हैं। तो उस वीडियो के रिलेटेड पूछा गया था कि अरक निकालने के लिए उसके मेजरमेंट के इंग्रेडिएंट्स कितने होने चाहिए और कितने गुड़ में कितना अरक निकलेगा। तो इस गुड़ के पीसेस को एक बड़े बाउल में लेकर हम इसमें मिक्स करेंगे कॉफी पाउडर और शुगर। तो मैं यहाँ पर लिया हुआ है, देखिए 2 पैकेट्स ली हुई हूँ कॉफी पाउडर के 5 रुपीस वाले। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा गुड़ के पीसेस को लेकर मिक्स करते रहें क्योंकि वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर मिनिमम 250 ग्राम शुगर यूज किया और 5 to 6 कॉफी पाउडर के पैकेट्स लगे। तो कॉफी पाउडर के पैकेट्स 1 या 2 इधर उधर भी हो सकते हैं, आप चेक करते रहिएगा कि 3 इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए। तो दोस्तों आप लोगों को हेल्प हो जाएगा कि कितने अमाउंट में, यानी जो मेन इंग्रेडिएंट रहता है गुड़ की कितनी क्वांटिटी में कितना अरक निकलता है, इस वीडियो से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। तो इस बात का याद रखिएगा कि गुड़ को पीसेस थोड़े थोड़े लेते हुए ही उसके अंदर कॉफी पाउडर शुगर को ऐड करते हुए मिक्स करते रहिएगा। सब कुछ इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करने के बाद एक छोटे से बाउल में ले रही हूँ प्रिपेयर करने के लिए बैचेस वाइज। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है थोड़ा बड़ा साइज वाला टीन का डिब्बा। तो ज्यादा अरक निकालने के लिए हमें किस तरह सेट करना है, यानी ओवरलोड ना हो पाए, इसके लिए हमें क्या करना है, वो टिप्स के साथ मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो पहले हम मिक्सर को साइडों से डाल कर फिर हम उसके ऊपर से रख देंगे। ये देखिए मैंने सारा मिक्सर साइडों से डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर ये छोटा सा बाउल रखेंगे अरक कलेक्ट करने के लिए और ऊपर से वही ओल्ड कढ़ाई, आप भी किसी राउंड शेप वाला बाउल या कढ़ाई रख दें क्योंकि राउंड शेप रहने की वजह से अच्छे से निकलेगा। तो देखिए फिर से मैं क्या कर रही हूँ, फिर थोड़ा मिक्सचर ले रही हूँ, अब मैं क्या करूँगी बाउल में रख दूँगी। तो जितना भी मैंने मिक्स किया हुआ था जैगरी, गुड़, कॉफ़ी पाउडर, उन सब मिक्सचर का मैं एक ही ट्रिप में निकाल रही हूँ, यानी थोड़ा बाउल में रखा और थोड़ा मैंने टीन के डिब्बे में डाल के रख दिया। तो देखिए 15 मिनट के बाद, यानी और एक 5 मिनट्स तक हम इसको ऐसे ही रख देंगे, उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए ठंडा होने के बाद हमें एक ही ट्रिप में ज़्यादा अरक निकालने के लिए इस तरह टीन का डिब्बा हो चाहे बाउल हो वो बड़े साइज में रहने की वजह से इस तरह बैचेस वाइज बना लें, एक 3 to 4 times में बन जाएगा। इमीडिएटली हम बॉल्स को क्लीन कर देंगे तो वो इजी से क्लीन हो जाएगा। तो ये देखिए फिर से बना रही हूँ मैं, जितना भी मिक्सचर बच के रहा उसको ये सेटिंग किस तरह करते हैं और बॉल्स किस तरह सेट करें, अगर आप लोगों को कंप्लीट से डिटेल में वीडियो चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, फिर से मैं उस पर एक कंप्लीट से वीडियो अपलोड करूँगी। तो ये है फाइनल अरक 200 ml, जी हाँ 950 ग्राम गुड़, 250 ग्राम शुगर और कॉफ़ी पाउडर्स 5 to 6 कॉफ़ी के पाउडर्स 5 रुपीस वाले। इतने अमाउंट से प्रिपेयर करने के बाद फाइनल में जो अरक कलेक्ट हुआ उसकी क्वांटिटी है 200 ml। तो इस तरह निकलने के बाद
100 ml में कितने नेल्स मेहंदी के कोन्स बनते हैं वो वीडियो मैं पहले ही आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।